देखो, मैं लास्ट क्लास में यहाँ पे आपको खत्म किया था बायो जेनेटिक लॉ। और मैंने कहा था कि ये जो बायोजेनेटिक लॉ है, ये एर्नेस्ट हेकल का ये थ्योरी है, ये लॉ है। और ये जो थ्योरी है बायोजेनेटिक लॉ, ये क्या कहता है? इट सेज ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी कहते हैं। ऑन्टोजेनी का मतलब डेवलपमेंट होता है, और जो फाइलोजेनी कहते हैं ये एंसेस्ट्रल फीचर्स होता है। रिकैपिटुलेशन मतलब उसे रिपीट किया जा रहा है। तो ये जो एर्नेस्ट हेकल का एक लॉ है, वो क्या कहता है कि वेन एवर वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर किसी एनिमल का एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो वो अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर मतलब काफी फास्ट वो रिकैप करता है। रिकैप समझते हो ना, जो पहले की चीजें होती हैं, अपने एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक को रैपिड रिकैपिटुलेशन कहते हैं। किसको बताओ? अपने एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक को, एंड दैट इज कॉल्ड ओंटोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी। मतलब क्या बताओ? ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट और दे रिकैपिटुलेट्स, दे रिकैपिटुलेट एंसेस्ट्रल फीचर्स। क्या मैं कह रहा हूं? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दे रिकैपिटुलेट एंसेस्ट्रल फीचर्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि कोई भी एनिमल या कोई भी इवन प्लांट की बात भी करेगा, एर्नेस्ट हेकल वगैरह का मेन फंक्शन ये एनिमल की बात में कह रहा था कि एनिमल अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर अपने एंसेस्ट्रल एडल्ट के फीचर्स को बॉडी में क्या करता है बताओ? रिपीट करता है। और उसने एक और चीज जो बताया, वो ज्यादा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है इनफैक्ट। वो क्या कहता है कि अगर मान लो, जैसे मान लो एक एनिमल ए है और उसका डिसेंडेंट एक बी है, ए से बी आया मान लो, है ना, ए एंसेस्ट्रल फीचर, ए एंसेस्टर है किसका बताओ? बी का। तो ये क्या कहते हैं, देखो अगर ए का, अगर आप देखेंगे कि जो ए का एडल्ट फॉर्म है और जो बी का एम्ब्रियो होता है, और जो बी का एडल्ट फॉर्म है, फिर बी से क्या बना बताओ? सी बना। सी का जो एम्ब्रियो होता है और सी का जो एडल्ट होता है, तो उसने क्या कहा कि अगर ए से बी इवॉल्व हुआ है, या बी ए का डिसेंडेंट है और सी बी का डिसेंडेंट है, तो ए का जो एडल्ट का फीचर होता है, ए का जो ए भी ए के अंदर का जो भी एडल्ट का कैरेक्टरिस्टिक है, वो इस बी के एम्ब्रियो में क्या होगा? सिक्वेंशियली अपियर होता है, भले वो डेवलप ना हो, बट एडल्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके एंसेस्टर का, वो बी के एम्ब्रियो में क्या होगा? क्विकली रिकैप होता है। वो पूरा एक कह सकते हो कि वो देखा होगा जब सीक्वल्स बनता है मूवी का, तो तुरंत पुरानी मूवी का पूरा एक पार्ट दिखा देते हैं। वही ये कह रहा है कि बी डिसेंडेंट किसका बताओ? ए का। तो ए के एडल्ट का जो, ए की जो पूरी कहानी है, वो बी के एम्ब्रियो में क्या होगा? क्विक रिकैप होता है। और यही कहा उसने कि ये ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी की बात कर रहा है। तो इसका डेफिनेशन एक और लिख लो, उसका जो इसका एक और लाइन है लिख लो। अकॉर्डिंग टू एर्नेस्ट हेकल, लिखे,
अकॉर्डिंग टू एर्नेस्ट हेकल अर्ली स्टेजेस ऑफ अकॉर्डिंग टू एर्नेस्ट हेकल अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एर्नेस्ट हेकल अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रिकैपिटुलेट एडल्ट एंसेस्ट्रल फॉर्म्स रिकैपिटुलेट एडल्ट एंसेस्ट्रल फॉर्म अकॉर्डिंग टू एर्नेस्ट हेकल अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रिकैपिटुलेट एडल्ट एंसेस्ट्रल फॉर्म्स समझ में आ गया। और उसका उसने एग्जाम्पल भी दिया है, देखो जैसे एग्जाम्पल क्या दिया उसने, देखो कि उसने कहा कि जो टैडपोल होता है, जो टैडपोल होता है आप जानते हैं कि टैडपोल ये लार्वा किसका है बताओ, एम्फीबिया का, और टैडपोल में पूंछ होता है, तो ये क्या कहता है कि टैडपोल के लार्वा में अगर पूंछ है तो कहीं ना कहीं जो टैडपोल का जो या एम्फीबिया का जो ओरिजिन है वो ऐसे एंसेस्टर से हुआ होगा जिसमें टेल होगा, तो एम्फीबियंस मस्ट हैव टेल्ड एंसेस्टर, ये बताया था, चूंकि टैडपोल के लार्वा में क्या बताओ टेल तो होता है, लेकिन आप जानते हैं कि एडल्ट एम्फीबिया में ऐसा कोई पूंछ नहीं होता, तो अकॉर्डिंग टू एर्नेस्ट हेकल इफ द टेल इज प्रेजेंट इन टैडपोल लार्वे व्हाट इट इंडिकेट्स एम्फीबियंस मस्ट बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टेल्ड एंसेस्टर्स। देख लो, इफ टैडपोल लार्वा कंटेन्स टेल इट मीन्स amphibia must have tailed ancestor, amphibia का tailed ancestor रहा होगा, और तभी इसमें क्या बताओ पूंछ आता है amphibia में, adult में adult amphibia में tail नहीं होता but larva में tail होता है, समझ में आ रहा है। और भी देखो, जैसे उसने एक चीज और बताया कि मान लो आप ये कहते हैं कि ये सी, मान लो अगर ये सी एक रेप्टिलिया है, और आप जानते हैं कि सी से मान लो एक डी आया है, और डी एक बर्ड्स की बात करें अगर हम, तो आप जानते हो कि रेप्टिलिया के एडल्ट में रेप्टिलिया का जो माउथ का पार्ट है उसमें टीथ होता है, जबकि एप्स के एडल्ट में कोई दांत नहीं होता, बट एप्स के इंब्रियो में ही दांत होता है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एप्स के इंब्रियो में टीथ का होना और रेप्टिलिया के एडल्ट में टीथ का होना, मतलब एप्स का जो ऑरिजिन है वो कहां से बताओ, रेप्टिलियन एंसेस्ट्री के साथ वो क्या बताओ लिंक है, लेकिन ये कहानी पूरी तरह से सही नहीं है। जैसे अगर आप देखें कि टर्टल्स में सेल्ट होता है, वो उसके ऊपर कवरिंग होता है, बट टर्टल्स रेप्टिलिया है और उसके किसी भी पहले के एंसेस्टर्स में आप देखिए सेल तो नहीं होता, या वैसे देखिए एप्स में फेदर होता है, फेदर तो पहली बार बर्ड्स में इवॉल्व हुआ, तो ये पूरी तरह से एक्सेप्टेबल थ्योरी नहीं है जो एर्नेस्ट हेकल का थ्योरी है। इससे ज्यादा कहीं ना कहीं जो अगर देखा जाए, जो इस थ्योरी का जो ज्यादा आपका एक इंपॉर्टेंस है वो वॉन वेयर थ्योरी का है, उसने कहा था कि इम्ब्रियो जो होता है वो आपस में एक दूसरे के मिलते जुलते होते हैं, जो एनिमल काफी नजदीक है, जैसे जैसे उस इम्ब्रियो से डेवलपमेंट होगा बाद का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो डिफर करता है, अर्ली इम्ब्रियो काफी हद तक एक जैसे होता है अगर वो रिलेटेड एनिमल्स है तो।
आज भी अगर देखा जाए तो वॉन बेयर का जो लॉ है वो ज्यादा एक्सेप्टेड है इन कंपेरिजन टू बायोजेनेटिक लॉ। लेकिन देखो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं, देखो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इसका, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक लाइन लिख लीजिए पहले आप लिख लो क्या इसका, अब इन सबका निचोड़ क्या है, जो एविडेंसेस जो मिले हैं, मॉलिक्यूलर एविडेंस है या डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, देखो एविडेंसेस बेस्ड ऑन, देखिए एविडेंस बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एविडेंसेस बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं, सॉरी, इट इज सेड दैट अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रिकैपिचुलेट ओनली अर्ली एंसेस्ट्रल डेवलपमेंटल स्टेजेस। सब कुछ रिपीट नहीं होता है। जैसे अगर आप देखें कि अगर आप कॉर्डेटा हैं पहले, तो कॉर्डेट्स के जो बेसिक फीचर्स हैं, जो सिफेलोकॉर्डेट्स में भी होता है, वो भी आप में आएगा, बट सारे कैरेक्टरिस्टिक आप दुनिया भर के कैरेक्टरिस्टिक कैरी नहीं करेंगे। आप में मछली का भी कैरेक्टर आ रहा है, आप रेप्टिलिया भी बन रहे हैं, आप बर्ड्स भी बन रहे हैं। जो आपका अर्ली डेवलपमेंटल फीचर था कॉर्डेट्स का, वो जो दो चार पांच चीजें होती हैं, वो सभी कॉर्डेट्स में अपियर हो जाता है, बट सब कुछ आप कैरी नहीं करते। अगर आपके एंसेस्ट्री में एम्फीबिया भी रहा होगा, आपके एंसेस्ट्री में कहीं ना कहीं पाइसेस भी रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाइसेस का भी फीचर आप में आएगा, कि आप में पहले फिन्स भी आएगा, आप में पंख भी आ जाएगा, है ना, आप में वो पॉइजनस ग्लैंड भी आ जाएगा। तो सब कुछ आप कैरी नहीं करते, कुछ बेसिक जो बहुत अर्ली स्टेजेस का जो कैरेक्टरिस्टिक है, वही आपने क्या बताओ कैरी होता है। और एक यूनिक चीज देखा गया कि जो अगर आप देखें तो ह्यूमन एडल्ट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं जो जुवेनाइल एप्स का होता है, ये लो, मतलब यहां तो एडल्ट में एंसेस्ट्रल फॉर्म का, यहां उल्टा हो रहा है ना, देखो इसके एडल्ट में एंसेस्ट्रल फॉर्म का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जुवेनाइल फॉर्म का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, अर्ली स्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ह्यूमन एडल्ट में अपियर होता है। और आपके एनसीईआरटी में देखिए मेरे ख्याल से एक डायग्राम बना हुआ है, देखो लास्ट पेज में एनसीईआरटी आपके पास है, देखो एनसीईआरटी के देखो लास्ट पेज में एक डायग्राम बना हुआ है, कंपैरिजन किया, देखो स्कल ऑफ एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, बेबी चिंपैंजी एंड एडल्ट चिंपैंजी, द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन। अब ये देखिए, अब ये जो पूरा डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम का क्या मतलब है, बड़ा एक डायग्राम बना दिया है बिल्कुल ब्लंट तरीके से, क्या कहना चाह रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर, बट कहना यही चाह रहा है, देखो कि जो एर्नेस्ट हैकल का जो थ्योरी था कि इम्ब्रियो में आपके एंसेस्ट्रल एडल्ट का फीचर आता है,
यहां तो एक उल्टा ही केस चल रहा है कि बेबी चिंपैंजी जो जुवेनाइल एप होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन एडल्ट से काफी मैच कर रहा है। तो ये जो एक जो डिस्कवरी हुआ, इस डिस्कवरी ने तो एर्नेस्ट हेगल के ही पूरे पार्ट्स को बिल्कुल खत्म कर दिया। और वैसे भी देखो हर चीज अपीयर नहीं होता ना, मैंने कहा टर्टल्स जो होते हैं, टर्टल्स में सेल्ड होता है, किसी पहले के एनिमल में वो सेल वाले पार्ट नहीं कर रहे हैं, बर्ड्स में फेदर होता है, पूरे कॉर्डेट्स में, पूरे वर्टिब्रेट्स में कहीं फेदर नहीं है, मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड आ गया, पहले तो कहीं मेमोरी ग्लैंड नहीं था। तो यही है कि ये चीजें जो हैं, हाँ कुछ बेसिक फीचर्स मैच करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आप रिकैप्चुलेट करें। तो एम्ब्रियो अलाइक एम्ब्रियो, वी कैनॉट कंपेयर एम्ब्रियो विद द एडल्ट फीचर, और यही कहा था किसने, वॉन बेयर की थ्योरी ने। तो इन द मॉडर्न सिनेरियो वॉन बेयर लॉ इज मोर एक्सेप्टेड इन रिस्पेक्ट टू एर्नेस्ट हेगल थ्योरी। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चे, तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एज पर द इंफॉर्मेशन ऑफ एनसीईआरटी इफ द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज वेरी मच सिमिलर विद द ह्यूमन एडल्ट, इज इट इन द फेवर ऑफ एर्नेस्ट हेगल? नो, ये एर्नेस्ट हेगल के फेवर में नहीं है, ये उसका कॉन्ट्राडिक्शन है। समझ में आ गया? चलिए सही है। तो ये मैंने बता दिया आपको इम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। अब यहां देखो इसको मैं अब मिटा दूं, इसको मिटा दूं अब यहां से, ठीक है। अरे मॉडर्न का बता तो दिया, कहता है कि जो आपका जो अर्ली स्टेज है डेवलपमेंट का, जब आप आपका जो अर्ली स्टेज होगा, आप अपने एंसेस्टर के जो जो बहुत पहले के एंसेस्टर्स थे उसकी कुछ अर्ली स्टेजेस को आप रिपीट करते हैं। जैसे अगर आप कॉर्डेटा हैं तो आप में कॉर्डेट्स का जो बेसिक फीचर्स आएगा वो, जैसे आप में नोटोकॉर्ड आता है, आप में गिल स्लिट्स अपीयर होता है, पोस्ट एनेंटल का भी कुछ पार्ट अपीयर होता है, तो ये सब पहले की कॉर्डेट्स में भी था, सिफेलोकॉर्डेट्स में भी था, वो गिल स्लिट्स का होना है ना, नोटोकॉर्ड का होना, और ये सभी वर्टिब्रेट्स में अपीयर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी वर्टिब्रेट्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक को आप अपने बॉडी में अपीयर करेंगे। वही तो मैंने कहा था, अकॉर्डिंग टू द करंट व्यू अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रिकैपिचुलेट ओनली अर्ली एंसेस्ट्रल डेवलपमेंटल स्टेज, नॉट विथ ऑल द एंसेस्टर्स, नॉट विथ ऑल द एंसेस्टर्स। अब सारे एंसेस्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक को रिपीट नहीं करेंगे, आप कुछ अर्ली अपने जो एंसेस्टर्स थे उन्हीं के कैरेक्टर को आपके इंद्रियों में क्या होगा बताओ, उसको उसको एक पोजीशन मिलता है। समझ में आ गया? चलिए अब मैं बता रहा हूं आपको नेक्स्ट एविडेंस, इसको कहते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कहा जाता है। देखो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब होता है एविडेंस बेस्ड ऑन फॉसिल्स रिकॉर्ड, एविडेंस बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड। और फॉसिल्स क्या बताओ, ये प्रिजर्व्ड रिमेन्स कहते हैं इसको, रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्रीवियस टाइम,
फॉसिल से ही होता ना कि कुछ चीज बहुत पहले किसी सॉफ्ट मड में कहीं बरिड हो गया। देखो क्या होता है कि फॉसिल्स का अगर देखा जाए तो जैसे जैसे मान लो ये कोई डेड एनिमल था, डेड ऑर्गेनिज्म है ये मान लो, अब ये किसी सॉफ्ट मड में मान लो ऐसे सॉफ्ट मड में ये कहीं बरिड हो गया ये, है ना, मरने के बाद। और अब जो डेड ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, देखो इसका होता है एक काम कहते हैं मिनरलाइजेशन कहा जाता है ऑफ बोन्स एंड हार्ड टिश्यूज। तो इसके अंदर का जो कैल्शियम वगैरह होता है वो बाहर आ जाता है और इसका बाहर का पार्ट भी अब बहुत ज्यादा हार्डेड हो जाए। तो देखो ये एक तरह का हार्ड रॉक बन जाता है, बट कहीं ना कहीं इस रॉक में इसी ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ आपको एविडेंस मिलेगा, जो इस डेड एनिमल का कुछ जो जो एलिमेंट्स वगैरह था वो आसपास के पार्ट में क्या बताओ वो पहुंच गया और वो पूरा पार्ट हार्डेंड हो जाता है। तो ये फॉसिल्स है एक्चुअली, है ना। और फॉसिल्स को देखा जाए तो ये बड़ा एक डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं, याद रखना फॉसिल्स को कहा जाता है डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। हाँ, अब ये है कि फॉसिल्स इतना ज्यादा आसानी से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो सेडिमेंटेशन में जो रॉक वगैरह बनता है, सेडिमेंट्री रॉक जो होता है, जो सेडिमेंट्री रॉक होता है वो बेस्ट प्लेस कहते हैं ऑफ बेस्ट प्लेस फॉर फॉसिल सीक्वेंसिंग कहा जाता है। बट आप जानते हैं कि कोई भी हर तरह का रॉक सेडिमेंट्री नहीं है, रॉक इग्नियस भी होता है, मेटामॉर्फिक भी होता है, लेकिन जो चीज सेडिमेंटेशन में, जैसे कहते हैं अब ये चाहे ये सेडिमेंटेशन रिवर में हो या किसी माउंटेन की बात कर रहे हैं आप, तो इसमें होता क्या, देखो अगर एक लेयर है, मान लो ये वाटर का फ्लो हो रहा है और वाटर फ्लो के साथ कुछ चीज यहाँ डिपोजिट हुआ, तो यहाँ पर कुछ हो सकता है डेड ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ब्रीड हुआ हो और एक लेयर यहाँ देखो डेवलप हो गया ऐसे मान लो। अब एक और सेडिमेंटेशन हुआ, देखो ऐसे हो सकता है यहाँ भी कुछ ऑर्गेनिज्म ब्रीड हुआ हो, तो लेयर पे लेयर ये बन रहा है। देखो तो सेडिमेंट्री रॉक में आप आसानी से कई तरह के फॉसिल्स का कंपेरिजन भी कर सकते हैं, ये चीज पहले दबा हुआ है ये बाद में आया है। तो सेडिमेंटेशन के अंदर सेडिमेंट्री रॉक के लेयर्स में जो फॉसिल्स मिलते हैं ये काफी एक बढ़िया सीक्वेंसिंग है फॉसिल्स के टाइम का, फॉसिल्स के रिकॉर्ड का, कि कौन पहले बरिड हुआ होगा। समझ में आ रहा है? और देखो तो फॉसिल्स क्या है, समझ में आ गया ना आपको कि फॉसिल्स आर द डेड प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ जो प्रीवियस एनिमल्स थे, वो मर गया उसका वो डेड हो गया, वो बरिड हो गया और बरिड होने के बाद जो उसका जो हार्डेंड पार्ट था, उसके जो बोन्स थे, उसके जो टीथ का पार्ट था, वो मिनरलाइज हो जाता है और उसके मिनरल्स आसपास के जो सॉफ्ट मड है उसमें वो मिल गया और वो पूरा पार्ट बाद में हार्ड हो जाता है। तो उस ऑर्गेनिज्म का जो कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिज्म का जो एलिमेंट है, वो आसपास के रॉक में मिलेगा। और इसका फायदा होता है कब बताओ, जब आप जैसे आर्कियोप्टेरिक्स की बात करने लगा या कोई भी डेड एनिमल हो, अब डेड ऑरिजिन का कुछ पार्ट तो अगर मान लो वहां पे रह गया है, लेकिन उसके आसपास का जो रॉक का जो सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का अगर आप क्या करें रेडियो डेटिंग, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो एनिमल है ये कितने पहले, कितने साल पहले ये ब्रीड हुआ होगा। तो यहां देखिए तो फॉसिल्स क्या, ये समझ में आ गया आपको? अब फॉसिल्स आपके पास अगर मिल गया तो फॉसिल्स का मिलने के बाद जो जिसकी दूसरी कहानी है कि हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, एजिंग कहते हैं, टू नो व्हाट इज द एज ऑफ फॉसिल्स। देखो
हाउ टू नो द एज ऑफ फॉसिल, देखो हाउ टू नो द एज ऑफ फॉसिल, देखिए हाउ टू नो द एज ऑफ फॉसिल, देखिए एज ऑफ फॉसिल्स के दो अलग अलग मेथड्स हैं, एक होता है रिलेटिव डेटिंग कहते हैं, रिलेटिव डेटिंग, और एक एब्सोल्यूट डेटिंग होता है। ठीक है, अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेटिंग क्या है, देखो इसमें हाफ लाइफ मेथड यूज करते हैं, हाफ लाइफ मेथड यूज करते हैं, या फिर आजकल एक मेथड आया है ईएसआर कहा जाता है, ईएसआर मेथड, ये लेटेस्ट है एक्चुअली, ये तो बहुत पहले, रिलेटिव डेटिंग वाज आल्सो यूज्ड बाय डार्विन, आल्सो used by Darwin, and that is completely a relative word. जैसे मान लो, देखिए, अगर मान लो ये कई तरह का layering है, ये sedimentation का देखो layer है ऐसे, देखिए, दूसरा layer है, ये तीसरा layer है, ये fourth layer है, और आप इस layer पे, आप देख रहे हैं कि इस layer पे एक fossils मिला आपको, फिर यहाँ एक फॉसिल्स मिला आपको, फिर यहाँ एक फॉसिल्स मिला आपको, फिर यहाँ एक फॉसिल्स मिला आपको, देखा ऐसे ही। तो अगर मैं कहूँ कि ये लेयर वन है, ये लेयर टू है सेगमेंटेशन का, ये लेयर थ्री है और ये लेयर फोर है, तो आप कह सकते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में ये सबसे, देखो ये फॉसिल मान लो एफ वन है, ये फॉसिल यहाँ पे बताओ एफ टू है, ये एफ थ्री है और ये एफ फोर है। अब ये किस चीज का फॉसिल है हमें पता नहीं है, हमें ये पता नहीं किस चीज का फॉसिल है, लेकिन फॉसिल है, और ये फॉसिल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आपको एज बता रहा है। अब देखो एक ही जगह पर अगर सेडिमेंटेशन होकर चीजें पहुंच रही हैं, तो बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है कि वो बाद उसी के बाद के ग्रुप का कुछ ना कुछ एनिमल वहां पर या प्लांट वहां पर डिपोजिट हुआ होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि इस F4 के रेस्पेक्ट में F1 सबसे अर्लीस्ट डिपोजिशन रहा होगा, मतलब तो सबसे बाद में जो चीज फॉसिलाइज हुआ इसमें F1 होगा, और सबसे पहले अर्लीस्ट फॉसिलाइज क्या होता है F4, तो F4 यहां क्या बताओ, इसको कहते हैं प्रिमिटिव फॉसिलाइज्ड ये ऑर्गेनिज्म होगा, मोस्ट प्रिमिटिव कह सकते हैं इसको F4, और इसमें जो F1 है इसे आप कह सकते हैं रिसेंटली फॉसिलाइज्ड ग्रुप है ये, तो ये एक रिलेटिव मेथड है, इसके रिलेशन में ये ज्यादा पुराना होगा, तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं आप, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेटिंग, और ये चीज डार्विन ने भी यूज किया था, ऑल्दो डार्विन को बहुत इससे बहुत कुछ नहीं मिला इस तरह के कॉन्सेप्ट से, लेकिन डार्विन ने अपने सिलेक्शन थ्योरी में रिलेटिव डेटिंग के मेथड को यूज किया, मतलब देखो डार्विन बहुत लोगों से उसने कंसल्ट किया था, जियोलॉजिस्ट से, पैलेंटोलॉजिस्ट से, ऑर्निथोलॉजिस्ट से, है ना, फिजियोलॉजिस्ट से, बहुत तरह के बायोकेमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट थे, बहुत सारे लोगों से मिलकर उसने अपना एक कॉन्सेप्ट बताया एक्चुअली। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेडिमेंट्री रॉक में जो चीज जितना नीचे मिलेगा वो उतना ज्यादा ओल्डेस्ट फॉसिल होगा, और जो सबसे ऊपर मिलेगा उसके रिस्पेक्ट में वो नया फॉसिल होगा, तो जो फॉसिल अभी अभी ताजा ताजा जो फॉसिलाइज हुआ वो सबसे ऊपर के लेयर में होगा, और जो सबसे पहले फॉसिलाइज हो गया बहुत पहले वो सबसे नीचे मिलेगा, समझ में आ गया, एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेटिंग। अब देखो
जो इसमें दूसरा पार्ट है उसे कहते हैं हाफ लाइफ मेथड। और हाफ लाइफ मेथड आप जानते हो C14 C12 में कन्वर्ट होता है, U238 जो होता है ये Pb में कन्वर्ट होता है ना, पोटेशियम जो होता है ये आर्गन में कन्वर्ट होता है ना, और भी कई सारे इसमें एप्लीकेशन हैं और सबका अपना अलग अलग हाफ लाइफ है। ये पढ़ा आपने, जैसे C14 का जो हाफ लाइफ है ये लगभग 6000 साल के आसपास आता है, 5870 ईयर आता है। और कितना होता है, अरे कार्बन 14 का हाफ लाइफ कितना होता है, अच्छा पढ़ा ही नहीं है तो क्यों नहीं पढ़ा है फिर। यहां देखो तो ये जो C14 का हाफ लाइफ है, और हर मेटल का अपना, जैसे कहते हैं यूरेनियम वगैरह का हाफ लाइफ बिलियंस में है, बहुत बहुत ज्यादा इसका हाफ लाइफ होता है। और जिस तरह का आपको जितना पुराना फॉसिल होगा उसी तरह से अलग अलग एलिमेंट का वहां पार्ट मेजर किया जाता है। जैसे मैं बताऊं एक चीज आपको कैसे पता करते हैं, देखो कि हाफ लाइफ से कैसे पता चलता है कि ये फॉसिल कितना पुराना रहा होगा, वो देखिए आप। तो देखो हाफ लाइफ मेथड बेस्ड ऑन द रेडियो एक्टिव मेथड, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं आप उसको, और रेडियो एक्टिव डिके जो होता है उसमें जानते हैं कि एलिमेंट का वो नेचर चेंज करता है, समझ में आ गया ना। तो रेडियो एक्टिव मेथड पे डिपेंडेंट है, और ऑल्दो सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, बट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके हाफ लाइफ का स्टडी करके हम उस फॉसिल्स का एक अप्रोक्सीमेट एज पता करते हैं कि ये फॉसिल्स कितने पहले क्या हुआ होगा, मतलब वो फॉसिलाइज्ड फॉर्म में चला गया होगा। जैसे देखो मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ देखो ये लिख लिया आप लोगों ने, हाँ जी तो मिटा देता हूं उसको। जैसे मान लो आपको किसी रॉक के अंदर, अब देखिए मान लो इसके ये पूरा रॉक का पार्ट है, इसका केवल जो 1/8 पार्ट है ये अब C14 है, और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है ये C12 में कन्वर्ट हो चुका है, मान लिया जाए। एक रॉक है आपके पास, उस रॉक के अंदर जो फॉसिल्स हैं उस रॉक का आप अब डेट पता कर रहे हैं कि ये जो C14 बचा है इसके अंदर ये कितने पुराने फॉसिल्स रहे होंगे। तो देखो क्या करना होता है, आपको पता है कि अगर एक पार्ट रहा होगा, मान लो पूरा एक पार्ट रहा होगा, तो 5870 या कुछ ऐसा ही देख लीजिए, मान लो ये मैं लिख गया 5800 लिख दिया, तो ये एक पार्ट पूरा का पूरा क्या रहा होगा, पहले C14 रहा होगा। अब यहां देखो इसमें इतने समय के बाद क्या हुआ, इसका 1/2 पार्ट अब क्या हो गया बताओ, ये बन गया 1/2 पार्ट, क्या रह गया इसका, ये रह गया C14, और इसका 1/2 पार्ट अब क्या बन गया होगा, C12, सही है ना। हाँ वही 5730 या जो भी है, मैंने अप्रोक्सीमेटली लिख दिया 5800 ईयर के आसपास। तो देखो फिर इस 1/2 C14 का एक और हाफ लाइफ देखो, तो फिर से लिख दिया हमने 5800 ईयर, तो अब ये 1/4 हो गया होगा। फिर एक और हाफ लाइफ देखो 5870, और ये 1/8 रह गया, देखो यहां पर, मतलब अगर आप 5800 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये समझ में आ गया होगा कि इस रॉक का जो फॉसिलाइज्ड फॉर्म है वो कितने पहले फॉसिल फॉर्म में गया होगा, नहीं समझ में आ गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। वैसे देखो जैसे कार्बन वगैरह का होता है, जैसे यूरेनियम का हाफ लाइफ बिलियंस में आता है, कितने समय के बाद वो पी में कन्वर्ट हो रहा है, पीवी जो उसका बाद में बनता है, और अकॉर्डिंगली हम उस फॉसिल्स के एज को पता कर लेते हैं।
देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा कि अगर मान लो ये पूरा एक पार्ट है किसी फॉसिल्स का, उस पूरे पार्ट में आप देखिए केवल जो एक 1/8 पार्ट बचा हुआ है वो C14 है और रिमेनिंग पार्ट इसका C12 बन चुका है। तो 1/8 को आने में कितना टाइम लगा होगा बताओ? तो अगर मैं कहूंगी ये पूरा पार्ट पहले C14 था, ये पूरा पार्ट पहले C14 था, तो उस C14 का जो हाफ लाइफ है वो कितना बताओ? मान लिया आपने 5800 ईयर अप्रोक्स, 5780 लिखा जाता है बेसिकली, मान ली ये लिखा हमने 5800 ईयर, तो इतने समय के बाद इस C14 का आधा पार्ट C12 हो गया होगा और उसका आधा पार्ट अभी भी क्या बताओ C14 ही रहा होगा। समझ में आ रहा है? फिर बचे हुए C14 का हाफ का फिर हाफ लाइफ, तो इतना ईयर और, तो 1/4 C14 रहा होगा, फिर उसका हाफ 1/8, तो इतने समय के बाद अब 1/8 C14 बचेगा और बाकी सारी चीजें क्या होंगी वो C12 में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें पता चल गया कि वो फॉसिल्स कितना पुराना रहा होगा। हाँ जी समझ में आ गया? हाँ जी हाँ, मल्टीप्लीकेशन आता है तो आपको समझ में आ गया होगा, अब मल्टीप्लाई करना जानते हैं। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है। अब यहां देखो तो क्या सभी तरह के फॉसिल्स के एज को पता करने के लिए क्या यही C14 मेथड यूज होता है? ऐसा नहीं है। जो फॉसिल जितना पुराना होगा उस तरह से हम अलग अलग एलिमेंट्स के पार्ट का मेजरमेंट वहां करते हैं। हर जगह पे हम C14 मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ऐसा लिखा जाता है कि जिस फॉसिल्स का एज 50,000 साल से पुराना हो उसमें आपको C14 का हेल्प नहीं मिलेगा। आपको C14 C12 मेथड कैन नॉट मेजर द एज ऑफ फॉसिल दैट इज मोर देन 50,000 ईयर ओल्ड। लिखना इस पॉइंट को, ठीक है? C14 C12 method cannot be applicable for those fossils that are more than 50,000 year old, that are more than 50,000 year old. हाँ जी बुझ गए? अरे 50,000, 50,000, 50, 50, 50, आधा खोखा, समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है। तो अलग तरह की अगर मान लो फॉसिल्स हैं तो जैसा जितना पुराना फॉसिल्स होगा उसी तरह के आप मेटल्स को वहां पर, एलिमेंट्स को वहां पर सर्च करते हैं, ठीक है? और देखो जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा गाइड में कि होमिनिड फॉसिल का स्टडी जो किया गया है, होमिनिड फॉसिल जो ह्यूमन फॉसिल है, आपके फैमिली का जो फॉसिल है, आपकी फैमिली होमिनिडी है ना, तो आपके फैमिली का जो फॉसिल पहले मिला है और ये होमिनिड बहुत पहले से अपीयर हो गया था, नियंडरथल मैन है, ऑस्ट्रोपिथेकस है, बहुत सारे उसके नाम आते हैं एक्चुअली, तो उस फॉसिल्स का जो स्टडी किया गया है आपको अभी अपने पूरे एंसेस्ट्री के बारे में डिटेल से पता है कि आपके पहले कौन था, आपके पहले कौन था, उसके पहले कौन था, उसके पहले कौन था। तो ये जो पूरा आपके पास एक रिकॉर्ड है उसमें जिस रेडियो एक्टिव मेथड को यूज किया गया वो पोटेशियम आर्गन मेथड है। लिखो होमिनिड फॉसिल्स विद द हेल्प ऑफ Record of hominid fossil is available by the use of potassium argon method. अब इसका पोटेशियम का देख लेना हाफ लाइफ कितना होता है, ये कार्बन से काफी ज्यादा है,
मुझे आइडिया नहीं है, बट पोटेशियम का जो हाफ लाइफ है, इसके कुछ आइसोटोप्स होते हैं, इसका हाफ लाइफ कार्बन से काफी ज्यादा है। समझ में आ गया? और देखो, अब ये चीजें भी अब काफी हद तक पुरानी हो गई हैं। रेडियो एक्टिव मेथड ऑल्दो यूज होता है, बट आज के टाइम पर जो सबसे लेटेस्ट मेथड है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड, वो ESR मेथड है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हर मेटल्स रेडियो एक्टिव होता नहीं, तो हर चीज को आप रेडियो एक्टिव मेथड से आपको वो उसका रिकॉर्ड मिलेगा भी नहीं मिला। तो जो लेटेस्ट मेथड अभी अप्रोच में है उसको ESR मेथड कहते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड कहा जाता है। हाँ वही देखो, 1.2 × 10⁻¹, ये किसका हाफ लाइफ है? पोटेशियम का। चलिए ठीक है, वेरी गुड, ये लिख लीजिए, ये पोटेशियम का हाफ लाइफ लिखा हुआ है इधर में। ये आप ही के दोस्तों ने बताया है, मुझे आइडिया नहीं है। अगर ये सही है तो आप इसको लिख लीजिए और फिर आप अपने सोर्स से इसको इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अभी के टाइम पर जो बेस्ट अप्रोचेबल मेथड है उसको ESR मेथड कहते हैं। इसको मोस्ट एक्यूरेट मेथड कहा जाता है और इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। देख लो, इट इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड लेटेस्ट मेथड टू नो द एज ऑफ फॉसिल। इट इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड लेटेस्ट मेथड टू नो द एज ऑफ फॉसिल और इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। अब ये मेथड कैसे किया जाता है इससे जाने की जरूरत नहीं आपको, बट ये मेथड है। पहले के आपके AIPMT के एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, तो ये टर्म याद रखिएगा, ESR मेथड, जो अभी सबसे ज्यादा यूज में है। समझ में आ गया? और देखो, अब बताओ, ये जो फॉसिल्स का आपने एज पता कर लिया कि ये फॉसिल्स कब का है, ये कब का है, ये कब का है, तो इस फॉसिल्स के एज के पता करने का फायदा क्या हुआ? तो हमें यहां तक पता है कि पहला यूकैरियोट्स कब आया, प्रोकैरियोट्स कब आया, फर्स्ट होमिनिड कब आया, पहला रेप्टिलिया कब आया, पहले एम्फीबिया कब आए, उन सब का आपके पास एक रिकॉर्ड है और आपके एंसेस्ट्री का रिकॉर्ड भी है। आप देखो, हॉर्स का, कैमल का, इन सब का पूरा एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड आपके पास है कि पहला जो हॉर्स था वो कैसा था, वो कुत्ते के जैसा था, छोटा सा, फिर धीरे धीरे हाइट बढ़ाया उसका, तो इओहिप्पस, मीजोहिप्पस, मेरीचिप्पस, प्लियोहिप्पस, इक्वस, ये अलग अलग हॉर्स का नाम है अलग अलग टाइम पे। तो हॉर्स की पूरी एंसेस्ट्री आपके पास है, ह्यूमंस का ऑलमोस्ट एंसेस्ट्री आपके पास है, कैमल का एंसेस्ट्री आपके पास है, और ये एंसेस्ट्री कैसे मिला है? ये फॉसिल्स रिकॉर्ड से मिला है। और सबसे बड़ी बात कि जो साइंटिस्ट हैं उसने पूरा का पूरा क्या बनाया बताओ, इसको कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहा जाता है। इसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कि किस टाइम पर, किस पीरियड में, किस एरा में कौन सा प्लांट, कौन सा एनिमल अपीयर हुआ है, उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है आज के टाइम पर। लिखे इस पॉइंट को, बेस्ट ऑन द, यस देखो, बेस्ट ऑन द फॉसिल्स रिकॉर्ड, बेस्ट ऑन द फॉसिल रिकॉर्ड, साइंटिस्ट हैज मेड मेड कंप्लीट कंप्लीट जियोलॉजिकल टाइम स्केल। देखो ये क्या होता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल टू एक्सप्लेन जियोलॉजिकल टाइम स्केल टू एक्सप्लेन बेस्ट ऑन द फॉसिल्स रिकॉर्ड साइंटिस्ट हैज मेड जियोलॉजिकल टाइम
टाइम स्केल टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स various living organisms including most primitive organisms most primitive organisms and recently originated living organisms. अब देखो ये क्या है, देखो देखे ऐसे याद रखिएगा कि इसको पूरा आप एक चार्ट में देख, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन स्पिन मतलब घूमना होता है, रेजोनेंस मतलब ऐसे से होता है, अड़फड़ाना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस कहा जाता है। तो देखो टाइम स्केल कहा जाता है, देखो जैसे हमने पढ़ा हुआ एक टर्म एरा, एक टर्म आता है पीरियड, एक होता है इपॉक, इपोच नहीं, इपोच इपोच नहीं होता, एपॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, एपॉक, इपोच नहीं कहते। तो देखो अब एरा में देखिए, जो सबसे लेटेस्ट एरा है, जिस एरा के आप हैं, उसको मोदी एरा नहीं कहते हैं, कहते हैं मोदी एरा चल रहा है, ये मोदी एरा नहीं है, ये सिनोजोइक एरा है, ठीक है, ई होता है, ए नहीं होता, सिनोजोइक, उसके पहले जो एरा खत्म हो गया उसका नाम था मीजोजोइक, उसके पहले भी एक एरा था जिसका नाम था पैलियोजोइक, उसके पहले एक एरा था कैम्ब्रियन, और उसके पहले भी एक एरा था उसको एजोइक एरा कहते हैं। तो ये पांच एरा है ना, सिनोजोइक, मीजोजोइक, ये सबसे ओल्डेस्ट है, मोस्ट अर्लीस्ट एरा कहते हैं इसको, मोस्ट ओल्डेस्ट एरा कहते हैं, चलिए, और सबसे जो लेटेस्ट एरा है वो सिनोजोइक में आता है। और एरा के अंदर अब पीरियड्स आते हैं, जैसे याद रखिएगा एजोइक में कोई भी पीरियड नहीं है, यहां भी कोई पीरियड नहीं होता, पैलियोजोइक में पीरियड्स आते हैं, जैसे देखो इसमें लिखा जाता है, टर्म यूज करते हैं, प्लीज कॉल डॉक्टर, सेव आर चाइल्ड। देखो बढ़िया एक टाइम तैयार हो गया, प्लीज कॉल डॉक्टर, सेव आर चाइल्ड, प्लीज कॉल डॉक्टर, सेव आर चाइल्ड। यहां जो पी का मतलब होता है, इसे कहते हैं परमियन, ठीक है, जो सी है इसे कहते हैं कार्बोनिफेरस, डी इज डेवोनियन, एस इज कॉल्ड साइलूरियन, ओ इज कॉल्ड ऑर्डोविसियन, और सी इज कॉल्ड
कैम्ब्रियन, सी इज कॉल्ड, जो पेरिजोइक, एक प्री कैम्ब्रियन एरा होता है, प्री कहता है, और फिर एजोइक होता है, कैम्ब्रियन एक पीरियड है एक्चुअली। तो देखो ये यस प्लीज कॉल डॉक्टर सेव आवर चाइल्ड, ये सीक्वेंस में याद हो जाएगा आपको। सबसे ऊपर परमियन है, उसके बाद कार्बोनिफेरस है, डेवोनियन है, साइलूरियन है, ऑर्डोविशियन है और कैम्ब्रियन कहते हैं, ये सब पीरियड्स के नाम है एक्चुअली। ठीक है, आप देखो मेजोइक के अंदर भी तीन एरा आते हैं, सॉरी पीरियड आते हैं। इसमें आता है चीफ जस्टिस ऑफ तमिलनाडु सीजेटी, सीजेटी, सी फॉर क्रिटेशियस, सी फॉर क्रिटेशियस कहता है, जे फॉर जुरैसिक होता है और टी फॉर ट्रायजिक कहता है। समझ में आ गया, सबसे ऊपर क्रिटेशियस है, उसके बाद जुरैसिक है और उसके बाद ट्रायजिक है, सी जेड टी, कुछ भी याद कर सकते हैं आप, चीफ जस्टिस ऑफ तमिलनाडु या आपको जो मन में याद करे वो याद कर लो, है ना, समझ में आ गया। और फिर देखो अब सीनोजोइक में भी दो पीरियड्स आते हैं, एक है क्वार्टरनरी, क्या कहते हैं क्वार्टरनरी, और एक होता है टर्शियरी। ये इसके दो पीरियड्स हैं, इसके सीनोजोइक के, आप इसमें हैं क्वार्टरनरी वाले अभी पीरियड में हैं। हाँ भाई तेलंगाना भी है और बहुत सारे टी है। यहां देखो अब यहां जो टर्शियरी और क्वार्टरनरी है, अब इसके एपोक हैं, एपोक बाकी कहीं नहीं होता। अब क्वार्टरनरी में देखेंगे आप, इसके दो एपोक हैं, एक को कहते हैं होलोसीन, एक होता है प्लिस्टोसीन, और फिर देखो टर्शियरी के कई सारे फिर एपोक हैं, ऑफिस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंडेड पाकिस्तान, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, ईओसीन और एक होता है पैलियोसीन। देखो मैंने ऐसे याद किया, देखो ऑक्लिस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंडेड पाकिस्तान। देखिए तो ये जो होपलेस देख रहे हो आप, होपलेस तो होलोसीन हो गया, देखो एच फॉर होलोसीन और पीएलई प्लिस्टोसीन आ जाता है, देखो इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पी प्लायोसीन, एम मायोसीन, ओ ओलिगोसीन, ई एंडेड पाकिस्तान, तो ई हो गया ईओसीन और पाकिस्तान में पा आता है तो पा क्या हो गया, इसको कहते हैं पैलियोसीन। समझ आ गया, तो इस सीक्वेंस में पहले आपको इसे याद करना पड़ेगा, कि कहां कैसे ये पूरा एरा का पार्ट है, और ये सब काफी मिलियंस में कहा जाता है कि सब जो एजुइक एरा वगैरह है ये तो बहुत पहले 400-500, ये पूरा आप देखना आपके बुक्स में वो मिल जाएगा, किसी भी बुक में
वो आपको एज भी लिखा मिल जाएगा मेरे ख्याल से, कहीं पे अगर है तो मैं आपको बता दूं किस तरह से इसको अरेंज करते हैं। चलिए मिल जाएगा, आप देख लेना बुक में उसका एज वगैरह क्या होता है। अब देखो इसमें आपको कैसे याद करना होता है, एक्चुअली ये लिख लिया, सबको याद हो गया, ये पूरा सीक्वेंस याद हो गया। प्लीज कॉल डॉक्टर सेव आवर चाइल्ड, चीफ जस्टिस ऑफ तमिलनाडु, होपलेस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंडेड पाकिस्तान, कोरोना जाएगा तोड़ के। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, कोरोना जाएगा तोड़ के। हाँ बिल्कुल हुआ, वेरी गुड, लगे रहो, समझ में आ गया ना। अब देखो अब किसमें क्या हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, फिर आपका ये टास्क है कि आप सबने क्या क्या हुआ है आप अगली क्लास में लिख के रखेंगे, मैं पूछूंगा आपसे। मैं एक आपको थोड़ा सा उसका एक झलक दिखाता हूं। जैसे स्टार्टिंग लाइफ कहते हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, उसमें अर्ली लाइफ एडियर हुआ, ये सब एजुड़ी वाले पार्ट में हुआ है, बहुत प्रिमिटिव लाइफ की बात कर रहे हैं। कुछ जो प्रिमिटिव इनवर्टिब्रेट्स वगैरह थे वो प्री कैम्ब्रियन में आया था। हाँ, अब कहते हैं जो एक एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ इनवर्टिब्रेट कहा जाता है कि इनवर्टिब्रेट्स आपके अर्थ पे बहुत पहले आया था, तो एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ इनवर्टिब्रेट ये कहां पे कहा जाता है, देखो कैम्ब्रियन में। अभी बताऊंगा एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, देखो क्या लिख रहा हूं, एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। अलग अलग तरह के इनवर्टिब्रेट्स एपियर हुए थे कैम्ब्रियन में, वो पीरियड है एक्चुअली, और ऐसा लिखा जाता है कि ऑर्डोविसियन में मोलस्का सबसे ज्यादा डेवलप्ड था। आज जो मोलस्का आप देख रहे हैं ऑक्टोपस या लॉलीवो वगैरह, इससे भी कहीं ज्यादा डेवलप्ड मोलस्का कहां था, ऑर्डोविसियन में। और इसीलिए ऑर्डोविसियन को क्या कहते हैं बताओ, इसे एज ऑफ मोलस्का कहा जाता है। एज कहने का मतलब वो चीज जो सबसे ज्यादा उस टाइम पे डेवलप था, ऑर्डोविसियन में मोलस्का सबसे ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म में थे, एंड दैट्स व्हाई इसको एज कहते हैं, बहुत ज्यादा ग्लोरिफाइड था मोलस्का वहां पर, तो एज ऑफ मोलस्का कहा जाता है। जो आज मैंने कहा, जो आज जो ऑक्टोपस या लॉलीगो वगैरह आज आप देखते हैं मोलस्का, उससे कहीं ज्यादा डेवलप्ड मोलस्का कब था बताओ, किसने, ऑर्डोविसियन में, तो इसको एज ऑफ मोलस्का भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ मोलस्का वेयर प्रेजेंट इन ऑर्डोविसियन पीरियड, एंड दैट्स व्हाई दैट पीरियड इज कॉल्ड एज ऑफ मोलस्का कहते हैं इसको, क्लियर। इसके बाद देखिए, इसी ऑर्डोविसियन में कहते हैं, इसी ऑर्डोविसियन पीरियड में कहा जाता है कि जो सबसे जो पहला वर्टिब्रेट था, जॉलेस वर्टिब्रेट, देखो अपीयरेंस ऑफ जॉलेस वर्टिब्रेट, और जो पहला वर्टिब्रेट आपके अर्थ पे आया था उसका नाम था ऑस्ट्रेकोडर्मी। ये सबसे पहला वर्टिब्रेट था। अब ये रेडिएशन क्या है ये बाद में बताऊंगा, पहले बोल चुका हूं कि कई तरह के इनवर्टिब्रेट्स अपीयर हुए थे, तो आई विल डिस्कस लेटर ऑन व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ इनवर्टिब्रेट, ठीक है ना। तो देखो जॉलेस वर्टिब्रेट्स का नाम क्या था, ऑस्ट्रेकोडर्मी, और ये सबसे पहला वर्टिब्रेट था जो अपीयर कहां हुआ था बताओ, ऑर्डोविसियन में, ठीक है ना, जिसको आप जॉलेस फिश भी कह देते थे एक्चुअली। लेकिन जो फर्स्ट ट्रू फिश अपीयर हुआ, जॉ वाले जो मछलियां थी, तो फर्स्ट ट्रू फिश अपीयर कहां हुआ बताओ, सैलूरियन में। तो ओरिजिन ऑफ फर्स्ट ट्रू फिश, जॉ फिश जिसे कहते हैं, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट ट्रू फिश और जॉ फिश, ये कब आया था बताओ, ये आए थे सैल्यूडियन में।
ठीक है। और देखो अगर सैलरियन में मछली अभी आई थी, नन्ना मुन्ना मछली अभी आया था, अभी वो उछल कूद मचा रहा था पानी में, वो डेवलप नहीं थे। डेवोनियन तक आते आते मछली बहुत ज्यादा डेवलप हो गए थे, बिल्कुल डोमिनेंस था उनका समंदर में या पानी के अंदर। हाँ, तो डेवोनियन को कहते हैं, इसको एज ऑफ पाइसेस कहा जाता है। डेवोनियन को क्या देती है, डेवोनियन को क्या बोलते हैं बताओ, एज ऑफ पाइसेस, मछली का ये एज था। पाइसेस वेयर मोस्ट डेवलप्ड इन दैट पीरियड, डेवोनियन। और इसी डेवोनियन में फुदकने वाले मेंढक आ गए थे, मतलब एम्फीबिया का ओरिजिन। आप जानते हैं कि मछली से ही एम्फीबिया इवॉल्व हुआ था, तो एम्फीबियंस वेयर ओरिजिनेटेड, वो वही ओरिजिनेट हुआ जब मछली अपने मतलब कह सकते हो अपने डेवलपमेंट के पराकाष्ठा पे थी वो, मतलब मछली जब से ज्यादा डेवलप था उसी समय एम्फीबिया का क्या हुआ ओरिजिन। तो डेवोनियन में ही कहते हैं बताओ क्या हुआ था, ओरिजिन ऑफ क्या, एम्फीबिया। और अब मुझे बताओ यहां क्या क्या हुआ होगा, आप खुद ही गेस करो क्या हुआ होगा। कार्बोनिफेरस में क्या हुआ होगा, जल्दी बताओ। ये मेंढक का क्या रहा होगा, ये मेंढक का क्या रहा होगा, यस, इसे एज ऑफ कहते हैं एम्फीबिया। और यहीं पे रेप्टाइल्स का क्या हो गया था, ओरिजिन। लिख लो, कार्बोनिफेरस में एज ऑफ एम्फीबिया कहते हैं इसको, कार्बोनिफेरस को कहते हैं एज ऑफ एम्फीबिया। और यहीं पर क्या आ गया था, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स। समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि परमियन क्या रहा होगा, अब जो तुम बोलोगे वो गलत हो जाएगा। परमियन में कहा जाता है इसमें जो रेप्टाइल लाइक जो मैमल्स थे, देखो ऐसा कहा जाता है कार्बोनिफेरस में, यस ये एज ऑफ एम्फीबिया था, यहां रेप्टिलिया का ओरिजिन हुआ था। तो परमियन में क्या रहा होगा बताओ, अभी बर्ड्स वगैरह नहीं आया यहां पर, परमियन में कहते हैं क्या गया था, रेप्टाइल लाइक मैमल्स। लिख लो, परमियन में ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल लाइक मैमल्स कहते हैं। तो मैमल्स का अभी भी देखिए, अभी इसका कोई नामो निशान नहीं है, रेप्टाइल लाइक मैमल्स थे वो, मैमल्स नहीं थे। समझ आ गया। अब आप ये बताओ, ये तो पूरा खत्म हो गया, एक क्या एक पूरा का पूरा पीरियड एरा खत्म हो गया इसके अंदर। अब हम किसकी बात करते हैं, मीजोजोइक की। याद रखिएगा कि मीजोजोइक में जो सबसे नीचे है बताओ, ट्रायजिक, ये है ना, ट्रायजिक है ना। तो इसी ट्रायजिक में, इसी ट्रायजिक में प्रिमिटिव जो जो मैमल्स थे, प्रोटोथेरियन मैमल्स, देखो जो प्रोटोथेरियन मैमल्स, ओरिजिन ऑफ प्रोटोथेरियन मैमल्स, एंड ये इंपॉर्टेंट है देखो, डायनासोर्स अगर देखा जाए तो डायनासोर और मैमल एक साथ इवॉल्व हुआ, कहां इवोल्यूशन ओरिजिन ट्रायजिक में हुआ था। तो मैमल्स एंड डायनासोर, डायनासोर्स वेर इवॉल्व टुगेदर इन विच पीरियड, ट्रायजिक पीरियड। लेकिन ये कौन थे, यस जो एग लेइंग मैमल्स थे, याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैमल्स और रेप्टाइल्स एक साथ अपीयर, मैमल्स और डायनासोर्स एक साथ ओरिजिनेट हुए थे,
अर्थ पे, कब? ट्रायजिक में। और आप जानते हैं कि डायनासोर्स बहुत एक डोमिनेंट एनिमल था, और ये डायनासोर्स बहुत ज्यादा डेवलप हो गए थे कहां पर? जुरैसिक पीरियड में। तो कहते हैं जो रेप्टाइल्स का एक ओवरऑल डोमिनेंस था अर्थ पे, ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था जुरैसिक पीरियड में, एंड दैट्स व्हाई जुरैसिक को एज ऑफ क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स कहा जाता है। जुरैसिक पीरियड को एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है, क्योंकि डायनासोर्स यहां बहुत ज्यादा क्या थे, डोमिनेटिंग थे। और आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रेप्टिलिया एक ऐसा ग्रुप है जिसने 200 मिलियन ईयर तक, कैन यू इमेजिन 200 मिलियन ईयर तक, जिसने आपके अर्थ के ऊपर डोमिनेट किया है। ह्यूमंस तो बहुत बाद की कहानी है, रेप्टिलिया ने सबसे ज्यादा इस अर्थ को डोमिनेट किया है लगभग 200 मिलियन ईयर तक। रेप्टिलियंस एंड देयर एंसेस्टर डोमिनेटेड आर अर्थ मोर देन 200 मिलियन ईयर्स, और ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। और क्या था डायनासोर? रेप्टाइल नहीं था तो क्या था वो? येलो डायनासोर क्या था बताओ? रेप्टाइल नहीं था तुम्हें क्या लग रहा था? वो मेढक था वो, समझ में आ गया? हाँ जी, चलिए तो ये समझ में आ गया आपको। अब ये कहा जाता है कि रेप्टिलिया ने जब 200 मिलियन ईयर तक डोमिनेट किया आपके अर्थ को, तो उसका भी जो एक डोमिनेंस था वो खत्म हुआ, और डायनासोर्स वगैरह के जाने के साथ ही रेप्टाइल्स का डोमिनेंस खत्म हुआ अर्थ पे, और ये गया का बताओ? क्रिटेशियस में। Extinction of dinosaurs. Dinosaurs were extinct कब? In the Cretaceous period. और इसी Cretaceous में कहा जाता है birds भी evolve हो गए थे। Origin of birds. Age of apes नहीं कहते इसको, Origin of birds कहते हैं Cretaceous में। और इसी Cretaceous में क्या हुआ था? Extinction of dinosaurs. Dinosaur खत्म हो गया था। अब वो खत्म कैसे हो गया? आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि कोई या तो कोई नेचुरल डिजास्टर था, कोई मेट्रोइड्स इंपैक्ट था, या कोई और भी कुछ नेचर का कोई चेंज आया था, या फिर ये भी कहा जाता है कि दे माइट बी इवॉल्व इंटू बर्ड्स की तरफ वो चला गया, है ना? बट वॉट एग्जैक्टली हैपेंड इट इज स्टिल नॉट क्लियर। Even in the NCERT it is written, either it is eliminated because of natural calamities, natural disaster, or it might be evolved into birds. But what happened exactly? The story is in between that. Kahani in dono ke beech mein hai. But what happened exactly? It is still a kind of mystery. हाँ, घर पे बैठे रहना। Dinosaur अभी जाके gate खोल के देखो, Mr. Sales. डायनासोर देखो तुम्हारे घर के बाहर मिलेगा, अभी बाय बाय करने के लिए बैठा हुआ है, अपने पीठ पे घुमाएगा तुमको, अभी उड़ा के ले जाएगा, देखो। चलो ठीक है, अब डायनासोर है नहीं, रिप्रोड्यूस कहां से करा लोगे? अब डायनासोर रहेगा तब तो रिप्रोड्यूस कराओगे। चलिए ठीक है, तो जुरैसिक पीरियड में कहते हैं डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ और बर्ड्स इवॉल्व हुआ था। अब मैं आपको इससे जल्दी पढ़ाऊंगा, समय आपका समाप्त हो गया एक्चुअली। अब आपको ये ढूंढना है, ये जो लिखा हुआ है यहां पर, और टास्क क्या है आपके लिए कि इन सभी में एपोक में क्या क्या हुआ, ये तो मैंने बता दिया एनिमल्स के बारे में। अब जिम्नोस्पर्म कब आया है, एंजियोस्पर्म कब आया है, ये आपके बुक्स में किसी भी बुक में आपको लिखा मिल जाएगा, तो उसके सामने आप ऐड कर लेंगे कि इस पीरियड में इस चीज का ओरिजिन हुआ था। अरे डायनासोर और छिपकली दोनों रेप्टिलिया में आता है, ये रिलेशन है और क्या। अरे डायनासोर रेप्टिलिया है और मंडे को क्या है, रक्षाबंधन है, तो छुट्टी रहेगा, नो क्लास।
इंजॉय योर रक्षाबंधन, खाइए पीजिए और मस्त रहिए। पढ़ने के लिए बहुत टाइम है अभी, एंड बी रिलैक्स्ड। टेंशन बिल्कुल मत लेना कि ये पढ़ाई नहीं हो रहा, वो पढ़ाई नहीं हो रहा, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं आप। यू ऑल स्टूडेंट्स आर डूइंग ग्रेट, आई एम टेलिंग यू। ऑनलाइन स्टडी इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। क्लास में बैठ के इधर उधर किसी को छुट्टी काट लिया, किसी को ऐसे कर दिया, किसी को ऐसे कर दिया, वो करते रहते थे आप लोग, बट अभी तो कुछ नहीं कर रहे आप। अभी तो क्या, बस बेचारे को आंख खोल के और कान खोल के पढ़ना होता है, सारी मस्ती खत्म हो गई आप लोगों की। सो बी रिलैक्स्ड। मंडे को शायद होपफुली क्लास ना हो पाए आपका, ठीक है? तो हैप्पी रक्षाबंधन, एंजॉय योर टाइम एंड सी यू अगेन। मे बी अगर अगले भी कोई टाइम आपको होगा तो मैं बताऊंगा। चलिए।